बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आप लोगों के पास मैथ 1, 2, 3 इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 12 है, द स्ट्रेट लाइन। हमारे पास इसका फोर्थ लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 12 का फोर्थ क्वेश्चन आज हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स प्रूव करने के तो हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े। आज एक नया मेथड इंट्रोड्यूस करवाऊंगी जो हमारे पास डिटर्मिनेंट मेथड है। आप लोग के पास अगर कोई तीन पॉइंट्स हैं, ए एक्स वन वाई वन, बी एक्स टू वाई टू एंड सी एक्स थ्री वाई थ्री, दी थ्री पॉइंट्स, देन ए बी एंड सी आर सेड टू बी कोलिनियर। हमारे पास आप लोग प्लेस करते हैं एक्स वन वाई वन की जगह जो ए का पॉइंट होते हैं, हमारे पास एक्स टू वाई टू की जगह जो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और एक्स थ्री वाई थ्री की जगह जो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। देन आप लोगों के पास जो थर्ड कॉलम होता है ये ऑलवेज वन होता है। अगर आप लोगों के पास उन तीनों पॉइंट्स का डिटर्मिनेंट किया जाए तो आप लोगों के पास इक्वल टू जीरो आ जाए तो हमारे पास वो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आए तो हमारे पास वो पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होते हैं। अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर फोर करेंगे 12.4 का। क्वेश्चन नंबर फोर का एक पार्ट मैं आपको करवाऊंगी, दूसरा सेम मेथड को फॉलो करते हुए आप खुद करेंगे। फोर का फर्स्ट पार्ट है 1, 0, सेकंड है 4 माइनस 12, थर्ड पार्ट है एंड 2 माइनस 4। अब हमारे पास, मैं इसको यहीं पे कह देती हूं, ये ए के है, ये बी के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये मेरे पास सी के कोऑर्डिनेट्स हैं। सिमिलर मेथड एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों को पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म करना है। तो जो भी मैंने आप लोगों को लास्टली दिखाया, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स वन वाई वन प्लेस करते हैं 1, 0। यहां पे हमारे पास थर्ड कॉलम हमेशा 1 रहता है। एक्स टू वाई टू आप लोग के पास 4 माइनस 12, एक्स थ्री वाई थ्री आपके पास 2 माइनस 4। अब आप लोग इसको चाहे तो रो मेथड से सॉल्व करें, चाहे तो कॉलम मेथड से सॉल्व करें। मैं एक्सपेंशन करूंगी थ्रू रो 1। तो यहां पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, यहां पे मैं लिख देती हूं एक्सपेंडिंग थ्रू आर वन, ठीक है। आर वन रिप्रेजेंट करता है रो 1 को। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो आप लोग पास और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट है 1। जब आप लोग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को स्किप कर देते हो तो पीछे जो बचता है वो लिख लेते हैं -12 -4 1 1, दरमियान में माइनस साइन। अब सेकेंड, हमारे पास फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, और हमारे सेकेंड एलिमेंट क्या है जी, 0। अब आप लोग फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को इग्नोर करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4 1 2 1। लास्ट पे आप लोगों के पास, यहां पे ऑर्डर जो है वो बच्चे चलता है प्लस माइनस प्लस का, तो +1 × 2। अब आप लोगों के पास, चूंकि रो 1 के थर्ड एलिमेंट पे आप लोग मूव कर रहे हैं, तो इसलिए थर्ड कॉलम को जो है वो आप लोग खत्म कर देंगे, तो 4 2 -12 -4, 1 × -12 1 = -12, माइनस साइन फार्मूले का, इंटू -4 × 1 -4, -0 0 × anything = 0, दैट्स व्हाई यहां पे आंसर सिर्फ 0 आएगा। +1 × 4 × -4 = -16, माइनस फार्मूले का, -12 × 2 = -24। अब आप लोगों ने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, -12 + 4 × 1 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, +1 × -16 + 24, -12 + 4 = -8, और हमारे पास -8 × 1 - 8 होगा, प्लस
प्लस 24 माइनस 16। जब आप लोग प्लस 24 माइनस 16 करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा एंड 8 वन्स आर माइनस 8 प्लस 8 कैंसिल 0 आ गया, तो आप लोग लिखेंगे सो पॉइंट्स आर कोलिनियर।